दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाना। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए, ब्लाउज का साइज 34 है और शोल्डर मैंने 15 इंच लिया है और इसकी लंबाई मैंने 14 इंच ली है। और अभी आपको बताती हूँ इसमें डिजाइन कैसे होते हैं। और इसकी जो ओपनिंग है वो फ्रंट साइड है। ये मैंने लाइनिंग कट कर लिया है और ये ब्लाउज कट कर लिया है। तो हम जो डिजाइन है पहले लाइनिंग कट कर लेंगे और सेम ड्राफ्ट करके ब्लाउज में। तो देखिए, शोल्डर से 4.5 इंच लिया है मैंने और इसको मैंने 3.5 इंच तक लिया है और इस तरह से ड्रॉ कर दिया। और यहाँ से हम 2 इंच छोड़ देते हैं और यहाँ पे भी एक बॉक्स बना लेते हैं। इसके बाद हम अभी नीचे पहुँचते हैं, नीचे देखते हैं कितना डीप आपको चाहिए। अभी जैसे मुझे चाहिए ये 12 इंच में, लेकिन हम इसमें पैच भी लगाएंगे तो उसके लिए हम इसको 10.5 इंच ले लेते हैं। तो ये 10.5 में हमारा नेक तैयार रहेगा और यहाँ पे हमारा पैच भी आ जाएगा 2 इंच का। तो जो हमने ये लाइन किया है इसको इस तरह से रखें और ये 8 इंच तक यहाँ पर लंबी लाइन ड्रॉ कर दें और इसको भी हम ड्रॉ कर देते हैं। अभी ऊपर के नेक में डिजाइन देते हैं। तो ये एकदम ये पूरा राउंड में नहीं है, इस तरह से हल्का सा वी जैसा आएगा। इसके बाद ये हमारा प्लान रहेगा और यहाँ पे हम डिजाइन देते हैं। तो हम जो डिजाइन है ये तो हमने बॉक्स इसलिए बनाया, यहाँ पे हम पैच अटैच करेंगे, लेकिन जो कटिंग होगी हमारी यहाँ तक आएगी। देखिए, अभी जो ये ड्राफ्ट निकला है हमारा, इस ड्राफ्ट को रखेंगे, कैनवास कट कर लेते हैं। नेक पट्टी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट कैनवास लगाएंगे और इसके लिए हमको नेक पट्टी भी कट करनी पड़ेगी और कैनवास भी। इसकी चौड़ाई 1 इंच ले लेंगे और इसी ड्राफ्ट को रख के नेक पट्टी भी कट कर लूंगी। देखिए, कपड़े को भी इस तरह से रख लिया और कपड़े की चौड़ाई लेंगे वो हम इसे कैनवास से 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे, मतलब 1.5 इंच। देखिए, सेम ड्राफ्ट रख लिया मैंने और इस कैनवास को भी कट कर देते हैं। इसकी चौड़ाई 1 इंच ले लेंगे। तो देखिए, अभी सिलने का तरीका बताते हैं। ब्लाउज को मैंने सीधा रख लिया, उसके ऊपर लाइनिंग रख लिया है और अभी हमने जो ये ड्राफ्ट कट किया है इसको इस तरह से रख लें इसके ऊपर। ये रखने के बाद पूरा आप यहाँ से पूरा इसको यहाँ तक स्टिच कर लें। स्टिच हो जाएगा तो हम इस सेंटर पार्ट को कट कर लेंगे और फिर इसको पलट लेंगे। जो हमने ऊपर का नेक कट किया उसके लिए देखिए, कैनवास और नेक पट्टी जो हमने कट किया इसको पहले हम तैयार कर लेंगे। ये कैनवास को इस तरह से ऊपर रखेंगे नेक की पट्टी के ऊपर और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड कर देंगे जब ये नेक हमारा पूरा तैयार हो जाएगा, उसके बाद इसको भी कट कर देंगे और सेम नेक में इसको स्टिच कर देंगे। तो देखिए, जब हमारा ये नेक तैयार हो जाएगा उसके लिए मैंने ये पैच के लिए एक क्लॉथ लिया है। अगर आप पैच नहीं लगाना चाहते हो तो सेम मॉडल में भी बना सकते हैं। मैं इसमें पैच अटैच करूँगी। तो देखिए, जो हमारा पैच है जैसे हमने मार्किंग की थी तो यहाँ पर हमारा इस तरह से पैच यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने सेम जो पैच का कपड़ा है उतना ही लाइनिंग दे दिया है और हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको पलट देंगे। पलटने के बाद फिर इसको हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया था, नीचे मैंने सीधा ब्लाउज रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग रखा है, उसके ऊपर ही कैनवास रखा है और सेम मैंने इस शेप में स्टिच डाल दिया और इस पार्ट को भी हम कट कर देते हैं।
इसके बाद जितने भी कोने हैं सब कट दे देंगे। और भी इसको पलट देते हैं। इस तरह से पलट देंगे और यहाँ पर किनारे पर सिलाई डाल देंगे तो ये सेट हो जाएगा। ये मैंने स्टिच कर दिया है और भी हम इसको पलट देते हैं। पलटने के बाद भी यहाँ पे हम सिलाई डाल देते हैं नेक पे और फिर नेक भी कट कर देंगे। तो देखिए जो हमने इसका कैनवास और ये ड्राफ्ट पट्टी कट किया था इसको मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है और अभी सेम नेक पे लगा देते हैं। अभी इसको पलट कर किनारे पे सिलाई डाल देते हैं। पट्टी हमने कट की थी वो मैंने इस तरह से पट्टी लंबी और पीछे मैंने इसको लाइनिंग स्टिच कर लिया, तो मैंने इस तरह से स्टिच किया, इधर से किया, दोनों साइड से ये ओपन है। अभी हम इसको पलट देते हैं। तो देखिए पलटने के बाद इस तरह से आ रहा है। अभी हम इस पर किनारे पर सिलाई डाल देते हैं। फिर जो हमने ये पट्टी तैयार की है इसको हम यहाँ पर इस तरह से सेट कर देते हैं, इधर से ऊपर रहेगा, हम खाली यहाँ पर नीचे वाले में सिलाई डालेंगे। तो पहले पट्टी को सेट कर लें पिन लगा के या फिर कच्चा टांका लगा के भी कर सकते हैं। ऐसे इसके ऊपर स्टिचिंग डाल देते हैं। तो देखिए ये पैच हमने अटैच कर दिया है और ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करी है जो नीचे फिनिशिंग देने के लिए। इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि बाद में फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से हम स्ट्रेट इसमें कमर में लगा देंगे। अभी इसको पलट के अंदर तुरपाई कर देंगे। फिलहाल मैं मशीन डाल देती हूँ। तो देखिए ये मैंने गोल्ड लेस ली है जो कि मैंने एक पट्टी यहाँ पर स्ट्रेट लगा दी है और हम अभी यहाँ पर इस तरीके से सेम शेप में इसको यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर देंगे और सेम बोट नेक पर भी। तो देखिए हमने ये लेस लगा दी है नीचे भी और ऊपर भी, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी नेक डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।